गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन प्रीवियस वीडियो यू कंप्लीट हिंदी रीडर टुडे आई विल टीच यू हिंदी व्याकरण चैप्टर 4 वाक्य सेंटेंस। तो आज आप लोग वाक्य के बारे में जानेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जो शब्द शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, इनमें सार्थक शब्द समूह होते हैं जो पूरा पूरा अर्थ प्रकट करते हैं। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं कि एग्जांपल दिया गया है, देखिए गा है कोयल रही, ठीक है। और यहाँ दिया हुआ है देखिए सुना है नानी कहानी रही। तो ये थोड़ा अटपटा लग रहा है आप लोगों को, है ना सुनने में। तो इन वाक्यों में शब्दों को सही स्थान पर नहीं रखा गया है, ये सही से नहीं लिखा गया है, इसलिए ये सही अर्थ नहीं स्पष्ट कर रहे हैं, इसलिए ये वाक्य जो है सही नहीं है। अब देखिए नीचे दिया गया है सही अर्थ, इनको पढ़ेंगे हम लोग। कोयल गा रही है, ये थोड़ा अटपटा लग रहा था, ऊपर का गा है कोयल रही, नीचे का देखिए ये जो दिया हुआ है ये सही से लिखा हुआ है, तो ये सुनने में भी अच्छा लग रहा है ना, अटपटा नहीं लग रहा है। नानी कहानी सुना रही है, ये भी सीधा सही अर्थ दिया गया है इसका। तो इन वाक्यों में कोयल और नानी के काम के बारे में बताया जा रहा है ना। कोयल गाने का काम कर रही है और नानी कहानी सुनाने का काम कर रही है, इसलिए ऊपर दिए गए दोनों वाक्य सार्थक हैं। सार्थक का मतलब क्या है? जिससे कोई अर्थ निकले, जिससे कि आपको वो समझ में आए, उसे सार्थक शब्द बोलते हैं। और निरर्थक किसे कहते हैं? जिसका कोई भी मीनिंग समझ में ही नहीं आए आप लोगों को, एकदम बिल्कुल अटपटा लगे। जैसे ऊपर आप लोग पढ़े हैं ना कि गा है कोयल रही, अगर आप लोग किसी को बोलोगे ऐसे तो समझ में आएगा, कोई भी सुनेगा तो बोलेगा कि कैसा बात बोल रहा है, गा है कोयल रही, ये क्या बोल रहा है। और वही अगर सीधा से बोलोगे कोयल गा रही है तो ऐसे जो है सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात अच्छे से समझ में आएगी, है ना। क्योंकि ये वाक्य के अर्थ स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहे हैं, कौन सा? कोयल गा रही है, नानी कहानी सुना रही है। वाक्य बनाते समय हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए, पहली बात व्यक्ति या वस्तु का होना, दूसरी बात इनके द्वारा किए गए काम के बारे में कुछ बताया जा रहा हो। जब भी हम वाक्य बना रहे हैं तो किसके बारे में बना रहे हैं और क्या बना रहे हैं वो जरूर होना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना है हमें। स्टूडेंट्स देखिए वाक्य के अंग, तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं, वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि देखिए पीछे दिए गए दोनों वाक्यों में कोयल और नानी उद्देश्य हैं तथा गा रही है कहानी सुना रही है, ये क्या है? विधेय है, ठीक है। देखिए ये पिक्चर में जैसा कि देख रहे हैं, माँ सब्जी काट रही है ना, बच्चे तालाब में नहा रहे हैं, हिरन दौड़ रहा है, आसमान में रंगीन पतंगे उड़ रही हैं। तो समझ में आ रहा ना, ये माँ है तो ये क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, और विधेय क्या हो गया? काट रही है, ठीक है, सब्जी काट रही है, ये विधेय हो गया। बच्चे तालाब में नहा रहे हैं तो बच्चे क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, और तालाब में नहा रहे हैं ये विधेय हो गया। वैसे ही आप लोग सारा बनाओगे, हिरन दौड़ रहा है तो हिरन उद्देश्य है, और दौड़ रहा है विधेय है, आसमान में रंगीन पतंगे उड़ रही हैं, तो आसमान जो है उद्देश्य है और रंगीन पतंगे उड़ रही हैं विधेय है। तो शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, ठीक है। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से रीड करोगे
और जो समझ में नहीं आए वो ग्रुप में पूछोगे आप लोग, ठीक है। यू कैन आस्क टू मी